आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। विधानसभा में विपक्ष पर सीएम योगी का तंज, बोले हम दोबारा सरकार बनाकर आएंगे। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को किया याद, बोले पाकिस्तान से सिर्फ 13 दिन में अपना सिर झुकाया और अमेरिका ने। गुजरात के पंचमहल में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 2 मजदूरों की मौत। प्रदूषण का परमानेंट इलाज चाहता है सुप्रीम कोर्ट, आयोग के आदेशों के लोगों और एक्सपर्ट से सुझाव मांगे। किसानों की घर वापसी के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे खुला, NH24 पर दौड़ने लगी गाड़ियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। देवरिया में पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रमोद सिंह ने श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतन देव सिंह पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतन देव सिंह और भोजपुरी गायक पवन सिंह ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और स्वर्गीय प्रमोद सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित की। बता दें कि प्रमोद सिंह 2007 से 2014 तक गौरीबाजार बसपा विधायक रहे, जहां 2014 में बसपा का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए। वहीं अब प्रमोद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह और पंकज सिंह अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए गौरीबाजार विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और चुनावी मैदान में उतरकर आम लोगों को रिझाने की कोशिश में है। तमाम पार्टी के नेता लगे हुए हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर विजय रथ यात्रा लेकर कल रायबरेली जाएंगे, जहां पर अखिलेश यादव विजय रथ के साथ जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर के रायबरेली आ रहे हैं और कल 17 तारीख को और 18 तारीख को 2 दिन वो रायबरेली की सभी 6 विधानसभा में एक बड़ी जनसभाएं करेंगे और जगह जगह उनका पार्टी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे और ये संदेश देंगे कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और किसान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगार परेशान है, अगर कोई इन समस्याओं से छुटकारा दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर। चंदौली में सभा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू क्रय केंद्र पर धान खरीद नहीं होने पर ट्रैक्टरों से लदा धान लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं पूर्व विधायक मनोज सिंह ने बताया कि क्रय केंद्र पर धान नहीं बिक रहा है, किसान परेशान है, जिस क्रय केंद्र पर किसानों का धान नहीं लिया गया। डीएम साहब जहां भी कहेंगे धान ले जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, इसमें बड़ा घोलमाल है और सिर्फ गुमराह करने की बात हो रही है। लास्ट में इतने मंथन के बाद, 4 घंटा के मंथन के बाद डीएम साहब ने कहा कि कल फिर बैठक होगी, कल मैं फिर 11 बजे आऊंगा, यहाँ पर बात होगी और जो मैं धान लेके आया हूँ वो कहेंगे एक ट्रैक्टर तो मंडी समिति में इसको अभी विपणन अधिकारी को बोले हैं कि इसको बिकवाइए, जा रहा हूँ मंडी समिति में धान को बेचने के लिए और मैं कल फिर 11 बजे आऊंगा यही 24 घंटा के लिए, इसको स्थगित मान के चलिए 24 घंटे। आज की जो खबर फरीदाबाद से है, जहां 2 दिन के लिए सभी सरकारी बैंकों ने हड़ताल शुरू कर दी। बैंकों के सभी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और निजीकरण किए जा रहे 2 बैंकों के पक्ष में विरोध किया। लोगों का यह भी आरोप है कि सरकार गरीब लोगों के अधिकारों का भी हनन कर रही है, क्योंकि गरीब लोगों को लोन देने का काम सरकारी बैंक करते हैं, जबकि निजी बैंक किसी भी वर्कशॉप चलाने वाले, रेहड़ी पटरी लगाने वाले को लोन नहीं देती। इस मौके पर बैंक कर्मचारी यूनियन के कई पदाधिकारियों ने सरकार की इस नीति की घोर निंदा की, साथ ही बताया कि अभी सरकार 2 बैंकों को निजीकरण कर रही है, जिससे कि सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में सरकार सभी सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि
फरुखाबाद में अजय सिंह भास्कर ने अपने बेटे राजकुमार के साथ फाइनेंस कंपनी चोला मंडल में विकास कॉलोनी में आए थे। अचानक वरिष्ठ पत्रकार अजय भास्कर का बेटा लापता हो गया। वहीं इस घटना से परेशान अजय अपने बेटे की घंटों खोजबीन करते हुए बाद भी गुमशुदा की तलाश दर्ज होने के बाद भी कैमरों में पुलिस ने देखने पर कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस के कई घंटों की मशक्कत के बाद भी भास्कर के बेटे राजकुमार का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मेरा बेटा राजकुमार, जिसकी उम्र 23 वर्ष लगभग थी, कल 14 तारीख को करीब 1 बजे मैं चोला मंडलम ऑफिस आया था। मेरी गाड़ी बस का फाइनेंस जो था उसे मैं देखने आया था, कितने पैसे भरेंगे तो हमारी बस जो है छूट जाएगी, इसके लिए देखने आया था। तो मैं दूसरी मंजिल पे ऑफिस है, मैं नीचे चला आया और मेरा बेटा वहीं रह गया। मैंने जब देखा कि बेटे को देखने गया तो बेटा वहाँ मिला नहीं। मैंने काफ़ी तलाश किया, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है और अभी तक नहीं मिला। जब उसी वक्त मैंने 2-3 घंटे बाद में तत्काल कोतवाल साहब को मैंने जो है इन्फॉर्म किया, एप्लीकेशन दिया। कोतवाल साहब ने तत्काल प्रभाव से जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि मेरा बेटा मेरे ही पीछे नीचे उतर गया था। लेकिन मिर्जापुर में आदर्श फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले तड़प वेब सीरीज मूवी का उद्घाटन हुआ। इस वेब सीरीज को निर्देशित रोहित चौधरी कर रहे हैं। तड़प वेब सीरीज का शुभ मुहूर्त हुआ और वेब सीरीज को लेकर जानकारी दी गई कि इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो एक लड़की की जो हर परिस्थिति से पीड़ित होकर भी समाज से लड़ रही है। इस सीरीज के निर्देशक रोहित चौधरी, प्रोड्यूसर आदर्श उपाध्याय और राणा मिश्रा है और हीरो यजु राज है, जबकि हीरोइन के किरदार में केसा रावत है। इस सीरीज को एक लड़की के ऊपर निभाया गया है, जहां सीरीज में लड़की की जिंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अलग रूप से लगा रहना पड़ता है। जहां खास बात यह है कि तड़प वेब सीरीज को मिर्जापुर, विंध्याचल और बनारस के पास लगभग 15 दिनों तक शूट किया जाएगा। किस तरह ढालेंगे, तो पहली बात तो मैं सर रोहित चौधरी सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया इस रोल के लिए, और बहुत अच्छी स्टोरी लगी है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें बहुत वेरिएशन है मेरे कैरेक्टर में, मतलब अलग अलग ग्राफ दिखेंगे। अब मैं वो ग्राफ नहीं बता सकता क्योंकि सर साथ में बैठे हैं तो पूरी स्टोरी रिवील हो जाएगी, पर ग्राफ बहुत वेरिएशन है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो खेलने के लिए हमें बहुत मौका मिला है और आर्टिस्ट को इससे बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती कि खेलने के लिए मौका मिल जाए एक चीज़ में। अगर आप 2-2.5 घंटे की चीज़ के अंदर काफ़ी खेल पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आई होप आप लोग एंटरटेन हो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित चौधरी है। सर यहाँ आज जो वेब सीरीज का शुभ मुहूर्त है, तड़प वेब सीरीज है, उसके आप डायरेक्टर हैं, थोड़ा तड़प के बारे में भी बताइए कि क्या वेब सीरीज में क्या मेन है। देखिए, हमारी वेब सीरीज का नाम है तड़प और हमारी जो कहानी है एक लड़की के ऊपर आधारित है, फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और एक लड़की की दास्ता दिखाई है हमने कि कैसे उसकी लाइफ में बार बार कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से उसको कोई ना कोई नया रूप धारण करना पड़ता है। तो एक लड़की की लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग खबरें सुनते हैं किसी लड़की के बारे में, आप ही लोग न्यूज़ में देते हैं कि उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो ऐसी हमारी जो हीरोइन है उसके साथ कुछ गलत होता है और एक बार नहीं कई बार होता है, जिसकी वजह से वो उसे कुछ ना कुछ अलग ऐसे काम करने पड़ते हैं जो ये। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने तिलक भवन से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। मैं शैलजा सिंह एडवोकेट, महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी रायबरेली। लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या की गई है, उनके उन हत्यारे के पिताजी अजय कुमार टेनी राज्य मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हत्या करता है जो किसान अन्नदाता है और उनके पिता वो राजनीति करेंगे बीजेपी में, तो हम लोग उनको ये मांग करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, तभी किसानों की आत्मा को शांति मिलेगी। और पत्रकारों को बराबर धमका रहे हैं, पत्रकार जो किसानों के साथ हैं उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके साथ में साथ दे रहे हैं, उनको भी धमका रहे हैं, तो ये उनको भी मारा गया है। इसलिए हम लोग यहाँ जिलाधिकारी द्वारा
राज्यपाल को ज्ञापन देने आए और धरना देने आए हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे, नहीं आवाज आगे तक भी हम लोगों की लंबी लड़ाई चलेगी। आज जो हम लोग धरना और प्रदर्शन इस कलेक्ट्रेट परिसर में कर रहे हैं, अभी हाल ही में विगत महीने में लखीमपुर खीरी में जो किसान के परिवारों के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के पुत्र के द्वारा जो हमारे किसान भाई थे उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उस घटना से हमारे देश के अंतरात्मा को बड़ा कष्ट हुआ है। और उस घटना को इस भाजपा की सरकार ने बहुत दिन तक तो उसको नज़रअंदाज किए थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा उस घटना का प्रबल विरोध किया गया, तब उसकी जांच कराने के लिए आदेश हुआ। उस जांच में ये मंत्री का पुत्र दोषी पाया गया है। इस घटना की जानकारी हमारे देश के प्रधानमंत्री को है, गृह मंत्री को है, इसके बावजूद उस घटना के बारे में न तो प्रधानमंत्री ने एक। रायबरेली में बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मी दो दिन से हड़ताल पर चले गए। बैंक के बाहर धरना दे रहे कर्मचारी ने बताया कि सरकार के निजीकरण नीति के चलते सभी बैंकों को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी चल रही है, जिसके विरोध में दो दिन की हड़ताल रखी गई है। हड़ताल पर बैठे लोगों का आरोप है कि सरकार बैकडोर से अपने चहेतों के हाथों में बैंकों की बागडोर देने जा रही है। कहा जा रहा है कि इन बैंकों में गरीबों की मेहनत का पैसा जमा है। सरकार बैंकों में जमा गरीबों की मेहनत का पैसा उन उद्योगपति को देने की फिराक में है जो पहले से ही बैंक के डिफॉल्टर हैं। वही बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर बैठे हुए हैं और उन्हीं के हाथों में सरकार बैंक को सौंपने जा रही है। इसी के विरोध में जिले के SBI, PNB और जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। अब उनकी मांग है कि सरकार उनकी बातों को मान ले और अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह, मैं स्टेट बैंक के ऑफिसर एसोसिएशन का इलाहाबाद मॉड्यूल का ARS हूँ, असिस्टेंट रीजनल सेक्रेटरी। प्रदर्शन है सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर है। जो विशेष अभी मुद्दे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के निजीकरण के विरोध में है। जो सरकार ये अमेंडमेंट लॉ ला रही है बैंकिंग के अगेंस्ट, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स जो उनके अपने खुद के साथी बनाती हैं उनको धीरे से बैक डोर से एंट्री देकर हमारी जो संस्थाएं हैं जिसमें सबका विश्वास है, लोगों ने अपने पैसे जमा पूंजी करके रखी हुई है, गरीब अमीर सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन सारे पैसों को बैक डोर से प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में देकर उनको पूरी पूरी बैंक सौंपने की तैयारी है, जो खुद बैंक के डिफॉल्टर हैं। मेरा नाम प्रीति किरण है और मैं रायबरेली रीजन के जगतपुर शाखा में कार्यरत हूँ। बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा, इसको रोकने के लिए दो दिन का हड़ताल किया जा रहा है हमारे बैंक साथियों के साथ। मांगे ये हैं कि जो बैंक अभी बैंकों में जो गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है इसको रोकने के लिए और अमीर घरानों के हाथों बैंक को बेचने के लिए इसकी पुरजोर हम लोग साथी दो दिन की हड़ताल पर हैं और आगे मतलब। लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार के साथ अभद्रता की गई थी। अब पत्रकार के साथ हुई अभद्रता के बाद साथी पत्रकारों ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हर जिले में अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ हंगामा किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में सहारनपुर में भी पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा है, साथ ही रोष व्यक्त करते हुए गृह राज्य मंत्री पर एक्शन लेने की भी मांग की जा रही है। देखिए, कल लखीमपुर खीरी में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। विशेष रूप से देश के गृह राज्य मंत्री द्वारा जो बर्ताव, दुर्व्यवहार, गाली गलौज और धक्का दिया गया, उससे पूरे समूचे पत्रकार जगत में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, लोगों में आक्रोश है कि आखिर इस तरह दुर्व्यवहार क्यों। इसको लेके सभी पत्रकार हम एक साथ। पीएम मोदी यूपी के दौरे पर आने वाले हैं और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। यहाँ के दौरे पर भी पीएम आने वाले हैं, जहाँ अभी से ही पुलिस विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। खुले में घूम रहे 64 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है और अलग अलग मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है।
सिद्धार्थनगर के धानी मगर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां लक्ष्मीपुर गांव के पास सब्जियों से लदी गाड़ी ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर में गाड़ी में सवार 9 लोगों में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी हालत काफी नजदीक है। वहीं टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्रवाई जारी है। सिद्धार्थनगर में हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल दी गई है, जहां धार्मिक स्थल मझौली सागर स्थित माता समय के स्थान पर विशेष समुदाय के समाज सेवी ने अपने सहयोगी के साथ साफ सफाई किया। आपको बता दें कि माता के स्थान पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे में वो स्थान लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है, लेकिन वहां साफ सफाई न होने के कारण गंदगी निरंतर बनी रहती है। लेकिन समाज सेवी ने सराहनीय काम करते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर की साफ सफाई की, साथ ही श्रद्धालु के दर्शन के लिए भी काम का ध्यान रखा है। सुल्तानपुर की परिषदीय विद्यालयों में मानक विहीन और घटिया डेस्क बेंच की सप्लाई की गई। खराब सप्लाई की वजह से हाल ये है कि 2 महीने के भीतर ही ज्यादातर विद्यालयों में डेस्क बेंच टूट चुकी है। सप्लाई करने की एजेंसी की बात की गई तो उन्होंने ये भी अपना पल्ला झाड़ लिया, लिहाजा शिक्षक नेताओं ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। अध्यापकों की शिकायत पर शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। वहीं जिलाधिकारी की माने तो घटिया फर्नीचर की सप्लाई का मामला बेहद गंभीर है। फिलहाल जिलाधिकारी की माने तो शिक्षा विभाग की तरफ से एक टेक्निकल टीम बनाकर इसकी जांच करवाई जाएगी। इस पे प्रकरण संज्ञान में आया था, इनफैक्ट कई जगह विजिट में भी एक दो जगह दिखा कि वो टूट गए हैं सामान। तो इसमें अब ये है कि सबसे पहले तो जो इनका जो शेष भुगतान है उसको रोकते हुए इसमें जो भी हमारे स्कूल के हेड्स हैं पहले उनसे चेक करा लिया जाएगा 100% कि भाई ठीक है गलत है। यदि हेड्स किसी उसको फ्लैग करते हैं कि ये ख़राब है तो फिर उसको ABSA और उनके साथ कोई टेक्निकल टीम और यथावश्यक उसका टेक्निकल परीक्षण की, जो क्योंकि एक स्टैंडर्ड IAS मानक पे सप्लाई करने से उसमें कमी पाई जाती है तो उनसे रिकवरी और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि एक सुनियोजित तरीके से किया गया है तो क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाए। अगर इस तरह से कोई सिस्टम बना हुआ है जिससे आपूर्ति की जा रही है तो सिस्टम को सुधारा जाए। निश्चित रूप से कार्यदायी जो भी लोग हैं जिम्मेदार वही हैं और जिनको नियमन का दायित्व तो है इसका जिम्मेदारी उनकी है। मेरे संज्ञान में लाने के बाद प्रथम बार ही अधिकारियों को सावधान हो जाना चाहिए था और इसको देखना चाहिए था कि हम टूटी हुई चीजों की आपूर्ति क्यों करवा रहे हैं, विद्यालयों में टूटी हुई चीजें क्यों आ रही हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है नई चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए। अभी जो मेरे पास डिस्पोज हुआ है 15-20 साल पुराना फर्नीचर डिस्पोज हुआ है, आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, अगर उसमें थोड़ा सा मरम्मत का व्यवस्था बना दी जाती तो हम इससे बेहतर फर्नीचर की व्यवस्था कर सकते थे। मेरे यहाँ डेस्क बेंच आपूर्ति हुई थी लगभग अक्टूबर के लास्ट माह और पीस उसकी थी 45, जिसमें लगभग 2-3-4 तो उतरते वक्त ही डैमेज हो गई थी, बाकी आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बच्चे उस पर बैठते हैं तो उसका पटरा टूट जाता है बच्चे। पीएम मोदी ने गुजरात के सरदार पटेल ऑडिटोरियम अमूल डेयरी आनंद गुजरात के प्राकृतिक कृषि राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में भाजपा किसान मोर्चा लखनऊ मीडिया प्रभारी देशबंधु ने बताया कि राजधानी लखनऊ में सभी ब्लॉक पर इस कार्यक्रम का भी सजीव प्रसारण हुआ। इस कार्यक्रम में प्रसारण उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर किया गया। सभी ब्लॉक में बड़ी स्क्रीन लगाकर किसानों के बैठने और कार्यक्रम को देखने के लिए सजीव प्रसारण देखने की व्यवस्था भी की गई। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी करने और रासायनिक पदार्थों की जगह कृषि को प्रकृति से जोड़ने पर बल दिया। प्रसारण के जरिए भी पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया गया। किसानों को पराली से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए जानकारी दी गई और कार्यक्रम के समापन पर किसानों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के अंत में मीडिया प्रभारी देशबंधु दीक्षित ने कार्यक्रम को सफलता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। खबर चंदौली से है, जहां पर लखीमपुर खीरी कांड का कोई धान क्रय बंद हो चुके हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए हैं।
कांग्रेसी कार्यकर्ता डीएम ऑफिस के दरवाजे पर धरने पर बैठ गए हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने डीएम कार्यालय के दरवाजे पर धरना दे दिया है और इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही ये भी कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आगे की बड़ा आंदोलन करने को बाध्य रहेंगे। यहाँ के सत्तापक्ष के विधायक और सदाजा विधानसभा के विधायक हैं सुशील सिंह जी, उनके द्वारा जो है साजिशन पता नहीं किस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो ककरही और रनिया क्रय केंद्र को बंद कराने की सब बात की गई है। ऑलरेडी धानों के क्रय केंद्र की गति धीमी चल रही है, हम लोग क्रय केंद्रों को घूम रहे हैं, देख रहे हैं जिस गति से धान खरीदी जानी चाहिए उससे धान खरीदा नहीं जा रहा है और उसके बाद भी क्रय केंद्र को बंद करने की बात की जा रही है। अभी मौसम खराब हो जाएगा, धान की लेकर किसान जो है परेशान हो जाएगा और यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई इससे सरोकार नहीं है। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी आज तो क्या किया जाएगा? हम लोग पत्र बनाए हैं, डीएम साहब को पत्रक देंगे, अगर ये इस पर सुनवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी। बुलंदशहर में किसानों के रास्ते में दीवार खड़ी करने को लेकर बवाल हो गया। खुर्जा में मुंडा खेड़ा रोड पे ग्रामीणों ने जाम कर दिया और भूमाफिया हाजी इमरान मीट फैक्ट्री मालिक पर रास्ते पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों के खेतों के रास्ते पर दीवार लगाने का आरोप भी है। जानकारी मिल रही है कि उपजिलाधिकारी से शिकायत के बाद भी भूमाफिया इमरान ने रास्ता खाली नहीं किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर ग्रामीणों को समझाने में जुटी है पर ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। अर्जुन सोलंकी, ये जाम जो लगाया क्या मामला? हमारी खेती है पीछे आपके नाम पे 40 बीघा खेती आ रही है, इसमें ट्रैक्टर नहीं निकलेगा खेती करने के लिए, भुसकी भुक्की लेकर आएंगे कहाँ से निकलेगा? हम तो किसान आदमी है, बालक बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारे तो किसान आदमी है कहाँ से जाएंगे? जाम क्यों लगाया क्या समस्या? जाम इसलिए लगाया जी हमारा रास्ता दे दो, हमें जितना बड़ा है हमारा खेती में से ट्रैक्टर निकल जाए, हमारी ट्रॉली आ जाए, इतना रास्ता दे दो हमें तो। कितना रास्ता? तो ये कागज 12 फुट का है। 12 फुट का है जी, 2 फीट पंच वाले ने बराबर वाले ने छोड़ी है, इन्होंने बाउंड्री कर ली, पहले तो खेत थे ये। अब कितना बचा है रास्ता? अब 8.5 फीट छोड़ा है इन्होंने, 8.5 फीट में ट्रैक्टर नहीं निकलेगा, हैरो नहीं निकलेगी, टिलर नहीं निकलेगा, खेती कैसे करेंगे हम अपने पीछे। खबर औरैया से है जहां बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा 17 दिसंबर को जिले के पुरानी नमाज मैदान में आ रहे हैं। इस दौरान वह विधानसभा स्तरीय एक जनसभा को संबोधित करेंगे जिसकी तैयारियों के लिए बसपा पदाधिकारी जुटे हुए हैं। बसपा जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र दोहरे, उपाध्यक्ष विपिन त्रिपाठी और सेक्टर प्रभारी संघ प्रिय गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीड़ होने का अनुमान है और महासचिव का कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। ये विधानसभा चुनाव के आगे की रणनीति तय करेगा। ये सुरक्षित विधानसभा सीट पे एक जनसभा का आयोजन है जिसमें भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा होगी। जनसभा को संबोधित करने माननीय सतीश मिश्रा जी राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद जी और यह पधार रहे। भाई साहब, मैं संकरी गौतम, बहुजन समाज पार्टी का मुख्य सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल। ये कार्यक्रम औरैया जनपद में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का कल यहाँ पर कार्यक्रम, कल दिनांक 17 दिसंबर को यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है। ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य और विशाल होने वाला है क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, आज जो पूरे प्रदेश में अन्याय अत्याचार वाली सरकार चल रही है, लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी को आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और जैसा कि आपने इधर पंडाल देखा और माननीय मिश्रा जी का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। आगरा में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद में दबंगों ने दो चचेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी घटना को लेकर कहा जा रहा है कि मारपीट और फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और इलाज के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दोनों लोगों की मृत्यु से परिजनों में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों पक्ष में पूर्व में भी हो चुका है और इस बार हुए रंजिश की वजह से दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई।
कन्नौज में बंद कमरे में धुआं निकलने से परिजनों को जब जानकारी हुई तो दमकल वाहन के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। बाइक एजेंसी संचालक के घर शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गृह स्वामी प्रवीण दुबे ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। उन्होंने कहा कि लगभग 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। प्रस्ताव में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा किसानों में कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है और उनकी शादी उचित समय पर हो। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।